माध्यम से मुझे जुड़ने का अवसर मिला है। जयपुर ग्रामीण के बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए इससे अच्छा मौका उन्हें पहले कभी नहीं मिला होगा, जब उनसे प्रधानमंत्री और उनके रोल मॉडल ने सीधा संवाद किया हो। नमो ऐप के जरिए पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वह जनता के बीच जाए और सरकारी योजनाओं की जानकारी दे, साथ ही मेरा बूथ सबसे मजबूत के नारे के साथ आगे बढ़े। देखिए, मेरा मत है, एक तो हमने सामान्य व्यक्तियों की भाषा में बोलना चाहिए, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए उदाहरण देकर के समझाना चाहिए, और इसके लिए कोई स्कूल नहीं होता है। उनके बीच में रहता है तो आ जाता है, उनके बीच में बैठते हैं उठते हैं तो आ जाता है। और मैं ये हमेशा कहता हूं, मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ सबसे मजबूत, यही मंत्र है और यही शक्ति है। भाजपा इसी शक्ति पर विश्वास करने वाली पार्टी है। संवाद के दौरान सेना से रिटायर्ड सूबेदार ने वन रैंक वन पेंशन को लागू कराने के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया, साथ ही सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए दुश्मनों के घर में घुसकर कार्रवाई को अब तक का सबसे साहसिक अभियान बताया। आपको और आपकी सरकार को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं, इन्होंने बहुत सालों से एक मुद्दा वन रैंक वन पेंशन को सुलझाया ही नहीं, आपने उसको तुरंत से लागू किया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोटपुतले में संवाद के दौरान जयपुर ग्रामीण सांसद और केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर मौजूद थे। राठौर ने कहा कि ऐसे आयोजन कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने में सहायक होते हैं। आज 5 लोकसभा में कार्यकर्ताओं से बात करी, उसमें जयपुर ग्रामीण का भी एक भागीदारी थी। ये हमारे लिए गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री जी ने पूरे राजस्थान के अंदर सबसे पहली अगर लोकसभा चुनी तो इन सब की लोकसभा यहाँ पर चुनी, और इनको एक लक्ष्य दिया है अभी कि हर बूथ के अंदर कम से कम 100 लोगों को डाउनलोड कराएंगे। भाई कराओगे? कराएंगे। तो मकसद यह है कि जागरूकता बढ़े। राजस्थान में विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, इन चुनाव में फतह कार्यकर्ताओं की लगन और मेहनत पर टिकी हुई है। इसे ध्यान में रखकर ही मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत का नारा बुलंद किया है, और इसमें प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकर्ताओं से संवाद उनमें जोश भरने का काम जरूर करेगा। अमित यादव, जी मीडिया, कोटपुतली।